इन द प्रीवियस लेक्चर आई थिंक हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था जो था 9.4। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का सबसे पहला जो मोटिव था अपना वो ये था कि सबसे पहले तो हमें ये समझना था कि फॉर्मूला कैसे लिखा गया, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज हियर कि फॉर्मूला कैसे लिखा गया। तो वही अपना वाला टेक्निक जो हमने यूज किया था कि जिन दो रजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो होगा उनका रेशियो डिवाइडेड बाय इक्वल टू अदर जो दो रेजिस्टर्स होंगे उनमें से जो सेम करंट फ्लो होगा उनका रेशियो। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि P और S में से सेम करंट फ्लो हो रहा है इसलिए P बाय S लिखा, और Q और R में से सेम करंट फ्लो हो रहा है इसलिए Q बाय R लिखा। ये टेक्निक आपने हर बार फ्लो करनी है। द ब्रिज इज बैलेंस्ड का मतलब क्या होगा? जब IG जीरो होगा, जब आपके गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नो करंट विल फ्लो थ्रू द BD और गैल्वेनोमीटर, तभी ये कंडीशन वैलिड होती है और तभी इसको बोला जाता है कि ब्रिज आपका बैलेंस्ड है। फिर हमें एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू बतानी थी तो हमने इसी फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब कुछ करके दिखाया था, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, बीडी वाला जो ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक आउट द पेन। वो जो बीडी वाला ब्रांच हमको दिखाई दे रहा था, उस बीडी वाले ब्रांच में हम लोग को ये बताना था कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ये हमारा अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। So, उस चीज के लिए अगर आपको याद आएगा तो मैंने आपको एक सिंपल सा टेक्निक बताया था। आप ये देख सकते हैं, ये बीडी वाला ब्रांच सब लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस बी पॉइंट और इस डी पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना था हमें ये बताना था, या फिर एक्स और वाई पॉइंट था। यहाँ पे मैंने इस तरह से भी आपको वो ड्रॉ करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि एक्स वाई के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, पर जो पोटेंशियल एक्स के अक्रॉस होगा वही बी के अक्रॉस होगा, और जो पोटेंशियल वाई के अक्रॉस होगा वही डी के अक्रॉस होगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी अंडरस्टूड इन द प्रीवियस लेक्चर वाज कि एक्स वाई के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये अगर हमें निकालना है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स वाई के अक्रॉस हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी एक्स माइनस वी वाई, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है वी बी माइनस वी डी, बिकॉज एक्स पॉइंट इज कनेक्टेड विद बी एंड वाई पॉइंट इज कनेक्टेड विद डी। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू बी डी इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, हम लोग को पता था 0 एम्पियर नाम का करंट फ्लो हो रहा है। इस एक जानकारी पे मैंने तुम्हें इतना बड़ा चीज समझाया था कि अगर तुम्हारे ब्रांच में से करंट 0 फ्लो हो रहा है तो इसका एक ही रीजन है कि आपका जो पोटेंशियल है वो दोनों तरफ सेम है। मैंने आपको ये समझाया था कि करंट को फ्लो करवाने के लिए आपको हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, और मैंने आपको घर का फैन का शॉक लगने का एग्जाम्पल दिया था। बट अगर किसी दो पॉइंट के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल है वो सेम है, तो अगर करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जितना पोटेंशियल वीबी पे है उतना ही पोटेंशियल वीडी पे है, या जितना पोटेंशियल वीएक्स पे है उतना ही पोटेंशियल वीवाई पे है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको फाइनल आंसर तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। बट प्रीवियस लेक्चर में हमारी कहानी कहाँ पे आके अटकी थी? हमारी कहानी यहाँ पे आके अटकी थी कि सर आपने तो जो समझाया उसका आंसर 0 आ रहा है, टेक्स्ट बुक का आंसर भी 0 है। बट टेक्स्ट बुक ने ऐसा यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया है कि हमें ये कार्यक्रम भी समझना है। तो आज के लेक्चर में हम ये वाला कार्यक्रम समझेंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि टेक्स्ट बुक ने 0 आंसर लाने के लिए इतना बड़ा चौड़ा ड्रामा क्या किया हुआ है, ये हमें समझना है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड प्रीवियस का लेक्चर? प्रीवियस लेक्चर सब लोगों को समझ में आया था? आज हम इस चीज को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैं डायग्राम वापस बना रहा हूं। हमारे पास है एग्जाम्पल 9.8, राइट, 9.4, ये हमारा एग्जाम्पल है। लेट्स मेक द डायग्राम अगेन। यहां से हम लोग को एक व्हीटस्टोन का डायग्राम बनाना है। दिस रेजिस्टर इज 1.36 किलो ओम्स। यहां पे भी एक रेजिस्टर है इस तरह से।
दिस इज ये क्यू वाला रेजिस्टेंस है जो हमने अभी अभी निकाल लिया था, और इसका वैल्यू होगा 19.94 किलो ओम्स जो हमने अभी अभी निकाला हुआ है। ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाल के रखा हुआ था, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस का 300 ओम्स है और ये वाला रेजिस्टेंस 4.4 किलो ओम्स है, ठीक है। यहां से इस तरह से आपकी बैटरीज बाहर आ रही हैं और ये आपका दो पॉइंट्स है, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस को वो नाम देता है पी, हमने भी इस रेजिस्टेंस को पी नाम दे दिया, ठीक है। और 300 वाले को वो आर पकड़ लेता है और इसको वो एस मानता है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इफ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट्स, यू कैन सी दिस इज द सोर्स वोल्टेज एंड दिस इज गिवन टू बी 30 वोल्ट्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छी तरह से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको और एक बार आप लोग पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इस क्वेश्चन के पीछे हम लोग कल से पढ़े हुए हैं। मैंने मेरा मेथड आपको बताया, मेरा मेथड और टेक्स्ट बुक का मेथड अलग अलग नहीं है, मेरा मेथड और टेक्स्ट बुक का मेथड एग्जैक्टली सेम है, बस टेक्स्ट बुक ने मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ उसको प्रूफ करके दिखाया है और मैंने आपको थियोरेटिकल एनालिसिस के साथ प्रूफ करके दिखाया, मतलब मैंने आपको बताया थियोरेटिकली कि ऐसा होता है तो वैसा होता है, पर टेक्स्ट बुक क्या चाहता है, टेक्स्ट बुक चाहता है कि नहीं हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से प्रूफ करके दिखाए कि ये आंसर ऐसा ऐसा जीरो आता है, बस इतना सा फर्क है। पर दोनों की जो हमारा दोनों का मेथड है या दोनों का जो सोच है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई, इस एक्स एंड वाई के अक्रॉस अगर आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप सब लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है, ठीक है ना। एक्स और वाई के अक्रॉस हम लोगों को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं वी एक्स माइनस वी वाई, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारे लिए अननोन है। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है और वाई का पॉइंट डी के साथ कनेक्टेड है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी डी, आपको ये निकालना, और करते हुए इनमें से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, और ये तरीका मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके एक टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है जिसका नाम है पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर। जब आप पोटेंशियोमीटर नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप पूरी तरह से पोटेंशियल के बारे में ही बातचीत करेंगे, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उनके बारे में कैसे बात करते हैं, इन सब के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी माइनस वी डी हमें निकालना है, ठीक है। बट वी बी माइनस वी डी ये जो पोटेंशियल आपको निकालना है, लेट अस टेक दिस पोटेंशियल एज वी प्राइम, इसको वी प्राइम का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में है, उसको अपन ने वी प्राइम नाम दे दिया। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, घर पे आता है 240, आपके फैन को मिलता है 15, ठीक है, या घर पे आता है 240, आपके किसी डिवाइस को चाहिए 20 वोल्ट, तो दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 240 माइनस 20 220, तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके घर और वो इक्विपमेंट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस हरदम दो पॉइंट के बीच में होता है, हरदम दो लोग लगेंगे आपको, ये घर लगेगा, दूसरा फैन लगेगा, घर लगेगा, टीवी लगेगा, कुछ भी, दोनों पॉइंट होने चाहिए। तो यहां पे भी एक पॉइंट बी है और यहां पे भी एक पॉइंट डी है, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों को माइनस करके जो पोटेंशियल आएगा उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, उसको अपन वी प्राइम का नाम दे रहे हैं। आप इसको वी डैश भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको वी प्राइम पढ़ता हूं, ठीक है। बट तरीका बिल्कुल ध्यान से समझिए, तरीका ये है दैट व्हेन वी फाइंड
वोल्टेज वी हैव टू यूज ओम्स लॉ। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आपको वोल्टेज निकालने की जरूरत पड़ती है, जब भी आपको वोल्टेज निकालने की जरूरत पड़ती है तो दुनिया में एक ही ऐसा लॉ है जो आपको वोल्टेज के बारे में जानकारी देता है, और वो जो एक लॉ है उसका नाम है क्या? उसका नाम है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ बहुत अच्छे से जानते हो, ओम्स लॉ क्या है? वी इज इक्वल टू आई आर। अगर आपने करंट को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया तब जो चीज आती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? वोल्टेज, और यू कैन आल्सो कॉल्ड इट एज पीडी। तो हम लोग इस चीज को फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं। रिकैप में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज फाइंड करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। लिखने का तरीका आई होप सब लोग के दिमाग में क्लियर है, वन पॉइंट माइनस अनदर पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट में मैंने आपको यह समझाया कि जब भी आप वोल्टेज या पीडी निकालना चाहते हैं तो आपको ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या ये पेज सब लोग के दिमाग में क्लियर है? आगे बढ़ू, एवरीबडी इज ओके विद दिस पेज? कैन आई मूव फॉरवर्ड? फटाफट फटाफट हायाना आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए हायाना। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पेज? सब लोग को यह समझ में आया कि हम लोग ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे? चलिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल करोगे कैसे? हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे ये बोलना बहुत आसान है, बट हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे कैसे वो हमें बताना है। ठीक है, अगर हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमें, हमारा एम क्या है, हमारा एम किस तरह से होगा जरा मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, हमारा एम है फर्स्ट फाइंड वीबी, ये हमारा पहला वाला एम है। ठीक है, फिर हमारा क्या है? देन फाइंड वीडी, ये हमारा दूसरा एम है। देन डू वीबी माइनस वीडी टू गेट फाइनल आंसर। सिंपल सा हमारा थ्योरी है ना, आपको वीबी माइनस वीडी निकालना है तो सबसे पहले आप वीबी निकालो, फिर आप वीडी निकालो, और फिर आप दोनों को माइनस कर दो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बराबर है कि नहीं है? वी स्टैंड्स फॉर आपका वोल्टेज। अब अगर आप वीबी निकालना चाहते हो, अब अगर आप वीबी निकालना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप वीबी निकालने के लिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। वापस मैं रिपीट करता हूं, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। टू फाइंड वीबी यू हैव टू सॉल्व वीबी विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, नॉट डी पॉइंट, क्योंकि ओम्स लॉ लगाने के लिए अपने को करंट का जरूरत है, ओम्स लॉ लगाने के लिए अपने को रेजिस्टेंस का जरूरत है। अगर हम बी और डी पॉइंट के बीच में ओम्स लॉ लगाएंगे तो बी और डी पॉइंट के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, बी और डी पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम बी और डी पॉइंट के बीच में ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। अगर हम बी और डी पॉइंट के बीच में ओम्स लॉ नहीं लगा सकते तो हम बी नहीं निकाल सकते या डी नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बी को किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं ताकि बी निकल जाए। कैसे सॉल्व कर रहे हैं बताता हूं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं बताता हूं। लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले हमारा है स्टेप वन, बने रहिए, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, एक चीज समझाऊंगा तो धीरे धीरे क्लिक होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज सिखा रहा हूं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हो सकता है आधा लेक्चर इसी में चले जाए, तो इसलिए अच्छी तरह से बात को समझना है सब लोगों को। ठीक है, स्टेप वन हमारा है, और स्टेप वन में हमारा क्या एम है, फाइंड वीबी, ये हमें करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अप्लाई ओम्स लॉ
अप्लाई ओम्स लॉ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. आपको ओम्स लॉ लगाना है किस पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में. एक और जानकारी देता हूं, आप बी और सी पॉइंट के बीच में भी ओम्स लॉ लगा सकते थे, किधर भी आप ओम्स लॉ लगा सकते, पर बी और डी में नहीं लगा सकते क्योंकि बी और डी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. अगर हम कल का डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये पता किया था कि ए से बी तक आई वन नाम का करंट फ्लो हो रहा है और बी से सी तक भी आई वन नाम का करंट फ्लो हो रहा है, ए से डी तक आई टू नाम का करंट फ्लो हो रहा है और डी से लेके सी तक भी आई टू नाम का करंट फ्लो हो रहा है. ये हमने कल देखा था. वापस रिपीट करता हूं, ओम्स लॉ लगाने के लिए ये जरूरी है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो होना चाहिए, दोनों पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी आप उन दोनों पॉइंट के बीच में ओम्स लॉ लगा सकते हो. यह बहुत जरूरी चीज है. इसलिए आपने चूज किया बी और ए पॉइंट, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एक करंट को फ्लो होता हुआ भी देख सकते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एक रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं. तो इसलिए हमने ये दोनों पॉइंट्स को चूज किया और इस दोनों पॉइंट्स की मदद से हम वीबी नाम का पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कि वीडी नाम का पोटेंशियल हम किस तरह से निकालेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो अब अपना तरीका क्या होगा, अब अपना तरीका होगा हमें एक्चुअली निकालना है वी बी, ये हमें निकालना है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ. बट जरा सोच के देखिए, हम बात कर रहे हैं ए पॉइंट और हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट के बीच में. अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको डायग्राम देख के समझ में आएगा, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी. बिल्कुल ध्यान से देखो, जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पर. कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि करंट हरदम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है. तो इसका मतलब अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, इसका मतलब ए पॉइंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल होगा और जो बी पॉइंट होगा वो आपका लोअर पोटेंशियल होगा. पर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हो तो आप करते हो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये बात सब लोग को पता है. तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस आपका होना चाहिए वी ए माइनस वी बी. लिखने का तरीका देखिए, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है उसकी मदद से मैंने ये पता लगाया कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल है. करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, इसलिए ए पॉइंट हायर पोटेंशियल हो गया, बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल हो गया. प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था, घर 240 वोल्ट पे है और आपका पंखा 20 वोल्ट पे है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, 240 वोल्ट से पंखे तक, क्योंकि 240 वोल्ट हायर है आपका पंखा लोअर है, तो करंट हायर से लोअर फ्लो होता है. सिमिलरली यहां पे आपने डायग्राम में देखा कि करंट ए से बी जा रहा है, इसका मतलब ए पॉइंट हायर है बी पॉइंट लोअर है और आपने वही चीज यहां पे लगाई, इसलिए आपने वी ए माइनस वी बी किया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. अब मैं इसके बाद ओम्स लॉ लगाने के लिए तैयार हूं क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी इज आई इंटू आर. तो वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, आई इंटू आर. इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो करंट है और इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन मुझे करना चाहिए. तो मैं करूंगा इन दोनों के बीच में जो करंट है वो है आई वन और इन दोनों के बीच में जो रजिस्टर है उसका नाम है पी. इसको मैं डालूंगा एक डब्बे में और इसको मैं लूंगा इक्वेशन नंबर वन. यहां तक हा या ना है पहले वो बता दो. एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड
सबसे पहली चीज कि मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ओम्स लॉ क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मुझे करंट मिल रहा है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर मुझे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस है, तो मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूं। पर भूलना मत, हमारा एम है वीबी निकालना। वीबी कैसे निकालेंगे बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये पता लगाने की कोशिश की ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हायर पोटेंशियल कौन सा है और लोअर पोटेंशियल कौन सा है। ये पता लगाने का तरीका क्या है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन देखो। करंट अगर ए से बी जा रहा है तो ए हायर है, बी लोअर है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल होता है। तो अब आपने जब इसको लिखा VA माइनस VB, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस I into R, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का I into R। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, A और B पॉइंट के बीच में, A और B पॉइंट के बीच में करंट कौन सा है, I1। रजिस्टर कौन सा है, P। देखो ये रजिस्टर का नाम P है, इसलिए मैंने क्या लिखा I into R, that's why I1 into P। Everybody रिप्लाई करो। अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है इसके अंदर, अब मैं वापस ओम्स लॉ लगाने जा रहा हूं, ठीक है। ये मेरा स्टेप वन था, मैं स्टेप टू में वापस ओम्स लॉ लगाने जा रहा हूं, वो स्टेप देख के तो थोड़ा बहुत आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं करने जा रहा हूं स्टेप टू, ये होगा मेरा पेज नंबर तीन, ठीक है। मैं जाने वाला हूं एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू के अंदर हम लोगों को पता करना है फाइंड VD, ये हमारा स्टेप टू का एम है। अब आप लोग मुझे बताओगे VD को मैं किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन क्या है, VD किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया जा सकता है बताइए। जैसे मैंने B के लिए आपको बताया था, A भी हो सकता है, C भी हो सकता है, मैंने A को चूज किया। अब आप बताएंगे कि मैं VD के लिए किसको चूज कर सकता हूं, क्या मैं VD के लिए A को चूज कर सकता हूं, क्या मैं VD के लिए C को चूज कर सकता हूं। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, मैं D के लिए भी A भी चूज कर सकता हूं, C भी चूज कर सकता हूं, दोनों हम लोग चूज कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। याद रखिए आप D को जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करने की कोशिश करेंगे, आपको सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है। वो दो बातें क्या है, अगर मैंने D पॉइंट लिया और मैंने A पॉइंट लिया, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो होना चाहिए और दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रजिस्टर होना चाहिए। क्या डी और ए पॉइंट के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, हाँ। क्या डी और ए पॉइंट के बीच में आपको एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है, हाँ। तो फिर आप डी और ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे अप्लाई ओम्स लॉ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी, ठीक है। लिख दिया मैंने, हमने ओम्स लॉ किसके बीच में लगाने का सोचा है, ए और डी पॉइंट के बीच में लगाने के लिए सोचा है, ठीक है। चलो अब आप लोग मुझे बताओगे ए और डी में कौन सा पॉइंट हायर है और कौन सा पॉइंट लोअर है, बताओ। ए और डी पॉइंट में कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल है, बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, यस यस दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ए हायर है, डी लोअर है, आपको रीजन पता है ना, आप जानते हैं ना आप ये आंसर क्यों बोल रहे हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग ये आंसर क्यों बोल रहे हैं, नॉलेज है कि रट्टा मार के रखा हुआ है, नॉलेज के हिसाब से बात करने हैं आप सब लोगों ने। आप ए को हायर इसलिए बोल रहे हैं और डी को लोअर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन देखा, आपने खुद को ये बोला कि I2 नाम का करंट ए से लेके डी तक फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ए पॉइंट हायर है और डी पॉइंट लोअर है, तभी तो करंट ए से डी तक फ्लो हो रहा है, ये आपने खुद को बोला। इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल है और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल है, और आपके पास फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास फॉर्मूला है VA माइनस VD, यानी कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, बराबर है। अब तुम्हें बताना है कि ओम्स लॉ के हिसाब से इसको कैसे लिखते हैं, बताओ यहां से देख के बताओ, बोलो ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट को देखो और बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी करंट कितना है दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में करंट कितना फ्लो हो रहा है,
आई टू बहुत ही बढ़िया, इन टू रेजिस्टेंस, इन टू रेजिस्टेंस, वॉट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, क्यू, हाजिर है आपकी इक्वेशन नंबर दो। बच्चा पार्टी, ये सब चीजें हम लोगों को सिखाई जाती हैं 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, बट मैं ऐसा अज्यूम भी नहीं कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज आती है नहीं आती है, मुझे कुछ उससे कुछ मुझे वो नहीं है, मेरे को इतना पता है कि मुझे आज वो कंसेप्ट आप लोग के दिमाग में डिलीवर करना है बस। अगर आपको स्टेप वन में नहीं समझ में आया तो स्टेप टू में तो पक्का समझ में आ गया होगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखा है जो आप आगे भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन में आपने वो ध्यान रखना है, आपने एंट्रेंस के क्वेश्चंस में भी ये चीजें ध्यान रखनी है। हम जब JEE नीट या MSCCT की तैयारी करेंगे तभी भी आपको ये सब कंसेप्ट पता होने चाहिए। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। आज आपने ओम स्टॉ लगाना सीखा जो बचपन में आप ऐसे ही पढ़ते थे, V = IR, V = IR। आप किसी भी 10वीं 11वीं के बच्चे को पूछोगे ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, बस उसको उसके अलावा कुछ नहीं पता होता। पर आज आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिकली ओम्स लॉ एक सर्किट में लगाया, आपने कुछ बातों का ध्यान रखा, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, कौन सा पॉइंट हायर है, कौन सा पॉइंट लोअर है, दोनों के बीच में करंट कौन सा है, दोनों के बीच में रजिस्टर कौन सा है, और आपके पास दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन का कमाल जरा देखो आप, इक्वेशन वन क्या अपने पास, ये हमने इक्वेशन वन पीछे लिखी हुई है, Va माइनस Vb इज I 1p, मैं वो भी लिख देता हूं, Va माइनस Vb इज इक्वल टू I 1p, ये था आपका इक्वेशन नंबर वन। और अभी आपने पता किया इक्वेशन नंबर टू, अगर मैं एक काम करूं और वो काम बहुत जबरदस्त है, सब्ट्रैक्ट वन एंड टू, अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, जरा बिल्कुल ध्यान से देखो, तो मेरे पास क्या आएगा, इसको बोला जाता है LHS, इसको बोला जाता है RHS, सॉरी इसको बोला जाता है LHS, इसको बोला जाता है RHS, ये इस इक्वेशन का LHS, ये इस इक्वेशन का RHS। जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो इसका LHS क्या है, Va माइनस Vd, ये इस इक्वेशन का LHS है, उसको माइनस करो Va माइनस Vb के साथ, तो आपने क्या देखा, मैंने पहले इक्वेशन के LHS को दूसरे इक्वेशन के LHS के साथ सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल टू साइन डालो। अब पहले इक्वेशन के RHS को, सॉरी, वन एंड टू लिखा है मैंने, तो वन एंड टू के हिसाब से क्या आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए ना, ये इक्वेशन वन है, दिस इज इक्वेशन वन, तो Va माइनस Vb पहला इक्वेशन, माइनस Va माइनस Vd दूसरा इक्वेशन, हमने वन एंड टू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वन ये है, Va माइनस Vb पहला, उसको माइनस किया Va माइनस Vd के साथ, इक्वल टू I1P माइनस I2Q। इस ब्रैकेट को जरा हम ओपन करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन करना चाहेंगे, ओपन कैसे करना चाहेंगे, Va माइनस Vb माइनस Va प्लस Vd इज इक्वल टू I1P माइनस I2Q। यहां से Va और Va कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस Vb प्लस Vd I1P माइनस I2Q। अब एक काम करो, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, अगर आप दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा Vb माइनस Vd और आपको मिलेगा I2Q माइनस I1P। समझाता हूं, प्लस साइन कैसे आया, किधर प्लस साइन कैसे आया,
माइनस साइन के साथ अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस साइन नहीं आएगा क्या? माइनस वी ए माइनस इंटू माइनस प्लस वी डी, ब्रैकेट ओपन किया मैंने माइनस साइन के साथ, बरोबर है कि नहीं है? बरोबर है कि नहीं है? यस, माइनस साइन के साथ मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, प्लस साइन आया, उसके बाद ये प्लस वी ए है और ये माइनस वी ए है, दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, प्लस वी ए और माइनस वी ए कैंसिल हो गया, माइनस वी बी इधर लिखा है, प्लस वी डी इधर लिखा है, आई वन पी माइनस आई टू क्यू। अब मैंने क्या किया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, एल एच एस और आर एच एस में मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूं तो वी बी में पहले से ही माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और वी डी में प्लस है वो माइनस हो जाएगा। वी बी में माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और वी डी में प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, आई वन पी प्लस है तो वो माइनस हो गया, और आई टू क्यू माइनस है वो प्लस हो गया। लास्ट स्टेप समझ में आया? लास्ट स्टेप मैंने खाली आई टू क्यू प्लस हो गया उसको पहले लिख दिया, और आई वन पी माइनस हो गया उसको बाद में लिख दिया। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? समझ में आया? टेंशन मत लो, अभी अभी तक सिर्फ 50% न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। टिल नाउ यू हैव जस्ट सॉल्व 50% ऑफ द न्यूमेरिकल, एंड 50% न्यूमेरिकल में आपने तीन पेज भर दिया हम लोगों ने। बोलो बोलो, क्या तुम्हें समझ रहा है? क्या तुम्हें समझ रहा है? रिप्लाई ऑल ऑफ यू, रिप्लाई ऑल ऑफ यू। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, ब्रैकेट ओपन किया हम लोगों ने, और जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया VA और VA कैंसल आउट हो गया, आपके पास VA और VD बचा, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप ये भी सोच सकते हो या मेरे को भी पूछ सकते हो ये सवाल कि सर आपने माइनस साइन के साथ किस खुशी में मल्टीप्लाई किया, आपको कैसे समझा कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का है, हम लोग को कैसे समझेगा एग्जाम में कि हमको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का है? अरे बाबा मेरे को पता है ना निकालना क्या है, ये देखो VB माइनस VD मुझे निकालना है, तो मेरे को क्लिक हुआ ना, मेरे को क्लिक हुआ कि नहीं हुआ कि अगर मैंने यहां पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये वी बी माइनस वी डी आ जाएगा जो मुझे निकालना है। हाँ मोहित वो भी राइट था, आई नो वो भी राइट था, अगर मैं पर मैंने सबट्रैक्ट वन एंड टू लिखा था इसलिए मैंने वो कट कर दी, अगर मैं टू एंड वन करता तो भी वही आता, मुझे पता है। इज दैट क्लियर? That's really great class. अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो हमें पता चल गया है कि हमें VB माइनस VD निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें पता चल गया है हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर हमने ये सॉल्व कर दिया तो हमें VB माइनस VD मिल जाएगा। कुछ बच्चा पार्टी के दिमाग में सवाल भी आ सकता है कि सर जब हम स्टेप टू कर रहे थे बराबर है कि नहीं? हाँ मोहित, मोहित वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, मोहित वही जस्ट वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही मैं बोलने ही वाला था। आप कुछ बच्चे लोग के दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि सर जब हम वीडी फाइंड कर रहे थे तो हम लोग गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि सर आप डी और सी सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो, डी और सी, पर फिर भी आपने ए ही लिया। क्या आपको समझा मैंने ए ही क्यों लिया? क्योंकि फाइनल आउटकम में ए कैंसल आउट होता है और आपको वीबी और वीडी मिलता है, दिमाग देख रहे हो? यह बात अगर मैं उस वक्त आपको बताता कि मैं डी के रिस्पेक्ट में क्यों सॉल्व कर रहा हूं तो आप तो समझ नहीं पाते क्योंकि आपको पता नहीं था फ्यूचर क्या है, पर मुझे पता था ना फ्यूचर क्या है। अगर हम फ्यूचर के हिसाब से बात करें तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो हम लोगों ने बी पॉइंट को ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है और हमने डी पॉइंट को भी ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है। इससे क्या हो गया, इससे ए पॉइंट कैंसल आउट हो गया और आप बच गए बी और डी के साथ। बी डी कैसे लेंगे बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया हम लोग बी डी सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, बी डी के बीच में करंट है क्या? अब्दुल मनियार
है क्या करंट बीडी के बीच में, बीडी के बीच में रेजिस्टर दिख रहा है क्या? ओम्स लॉ कब लगा सकते हो? ओम्स लॉ कब लगा सकते हो? ओम्स लॉ तब लगा सकते हो जब दो पॉइंट के बीच में करंट होगा और दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टर होगा। बी और डी पॉइंट के बीच में ना करंट है ना रेजिस्टर है, बराबर है ने? इफ देर इज नो करंट एंड नो रेजिस्टर, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सम अदर पॉइंट। नो, तभी तो हम बी को ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं और डी को भी ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। और ये भी मैंने अभी समझाया कि बी को ए के रिस्पेक्ट में और डी को ए के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि फाइनल आउटकम में ए कैंसिल हो जाता है, फाइनल आउटकम में ए कैंसिल हो जाता है। हाँ ऋतिक, ऋतिक बहुत ही बढ़िया, ऋतिक ने बोला एक नंबर बात। ऋतिक प्रजापति ने बोला, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। ऋतिक बोलते हैं कि सर हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? बी और सी को करेंगे और डी और सी को करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बी और सी को, डी और सी को भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आपको पता है क्या? सी सी कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आप बी और डी के साथ ही बचेंगे। समझा? यू कैन सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू ए और यू कैन सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू सी, आप दोनों के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? हो सकता है जब आप सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है ऐसा, बट आएगा तो यही, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। आई वन इंटू आर आएगा, आई वन इंटू आर आएगा, और यहां पे आई टू इंटू एस आएगा, वो आप करके देख सकते हैं। एनी मोर डाउट्स? आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? किसी ने पूछा था इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, बताऊंगा। पोटेंशियोमीटर आने दो, 11th स्टैंडर्ड में बताते हैं, पर अभी भी बताऊंगा, डोंट टेक टेंशन। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, उसमें हाया ना है क्या? पहले इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियोमीटर आने दो, वो भी क्लियर कर दूंगा आप लोग के दिमाग में। बहुत ही बढ़िया। वी बी माइनस वी डी इज आई टू क्यू माइनस आई वन पी। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो हमें वी बी माइनस वी डी मिल जाएगा। आदित्य, 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 यू यू हैव टू सॉल्व दैट एंड सी। आदित्य आपको वो सॉल्व करके दिखने है, ठीक है? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे को एक सवाल आप लोग से पूछने का है, अपने को क्यू पता है क्या? डू वी नो व्हाट्स क्यू इज? क्यू का वैल्यू तुमको पता है? बरोबर। अपने को पी का वैल्यू पता है? बरोबर। तुमको पता है क्या? अपने को आई वन का वैल्यू नहीं पता है और अपने को आई टू का वैल्यू भी नहीं पता है। समझो बात को, मैंने इसलिए बोला अभी तक से सिर्फ 50% न्यूमेरिकल हुआ है, वो टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग साइज छोटा है, टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग साइज छोटा है और वो फुल डिटेल में स्टेप नहीं बताया, इसलिए आपको लग रहा है इतने में हो गया। एक्चुअली वो 5 पेज का है न्यूमेरिकल। खुशी की बात यह है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वी बी माइनस वी डी मिल जाएगा, बट उसमें सस्पेंस ये था कि आपको क्यू पता था, आपको पी पता था, पर आपको आई वन और आई टू की वैल्यू नहीं पता है। जरा सोच के देखिए, कल भी आपने आई वन आई टू की वैल्यू नहीं निकाली है, आपने सिर्फ क्यू की वैल्यू कैलकुलेट की थी कल। तो अब अपना वापस अपने को कुछ चीज करनी है। स्टेप वन, फाइंड आई वन। तो अब हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे आई वन, फिर हम लोग फाइंड करेंगे आई टू, फिर हम उसको इसमें पुट करेंगे और फिर हमको फाइनल आंसर मिलेगा। इस इक्वेशन को लाने के लिए आपने दो स्टेप किए,
अब इस इक्वेशन से फाइनल आंसर लाने के लिए हमें वापस दो स्टेप करने पड़ेंगे, और कौन से स्टेप क्यों करने पड़ेंगे मैं वो भी आपको बता रहा हूं, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। सैम पैट्रिक, डू यू थिंक आई एम टीचिंग यू फॉर बोर्ड्स? क्या लगता है आपको सैम? आई थिंक यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर फ्रॉम द फर्स्ट डे। Do you think I'm teaching you only for the boards? Yes. You know what's my aim is? आप जानते हो ना मेरा aim क्या है? मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे student हो और आप अगर JEE NEET और MST CET को जा रहे हो तो आप लोगों को उस level की तैयारी करके दे रहा हूं। I hope Sam you're clear. And I hope you are understanding why I am going in so detail. सारे बच्चों को ये समझना है, ठीक है? मैं उन लोगों से तो बात ही नहीं कर रहा जो लोग लेक्चर बैठने में इंटरेस्टेड नहीं है, या जो लोग सुबह उठने में इंटरेस्टेड नहीं है, या जो लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़िया बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो तो यार फिर क्या मतलब है, फिर आप लोग के पीछे तो मैं भाग नहीं सकता ना, मैं तो खाली यहां बैठ के आपका अपना काम कर सकता हूं। सो इट्स फॉर एवरीबडी, वी आर गोइंग इन डिटेल एंड वी विल गो इन डिटेल, क्योंकि अगले 5 महीने के बाद तुम लोगों को एक बहुत बड़ा एग्जाम देना है, कोई ना कोई तो एग्जाम देना है। माइट बी सम पीपल लाइक सर मैं JEE नहीं देने वाला, मैं नीट नहीं देने वाला, मैं MST CET नहीं देने वाला, कुछ ना कुछ तो दोगे, NDA तो दोगे, गर्ल्स आप CD कुछ तो दोगे, एनी एग्जाम यूल डू बिजनेस ना, बिजनेस तो करोगे, कुछ तो करोगे, आपको ये लगेगा। इसलिए अपना सीट की जो होती है ना पेटी बांध के रखिए, एकदम कड़क वाला जाने वाले, वॉट एवर एग्जाम यू गिव यू विल हैव टू गो थ्रू दिस। इसलिए अच्छी तरह से बात को समझना है हम लोगों ने। लेट मी नॉट वेस्ट टाइम, आई होप सैम यू एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा मुद्दा ये है फाइंड आईवन, आईवन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आईवन को फाइंड करना है। अब I1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, I1 को सॉल्व करने के लिए आप लोग यहां पे ध्यान देंगे। अगर आपने यहां ध्यान दिया तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को यह पूछना चाहता हूं कि I1 जो है वो कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो I1 A से निकलता है, B तक आता है और B से C तक जाता है। ये सबको दिखाई दे रहा है, एवरीबडी इज एबल टू सी हु आर अटेंडिंग द लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। माइट बी जिनको एक हफ्ते तक खबर ना मिली हो कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज ज्वाइन हुआ, उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि I1 जो है वो A से B तक, B से C तक फ्लो कर रहा है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। तो मेरे को आया एक ख्याल, ख्याल इस तरह से है कि अगर मैं वापस ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूं तो शायद बात बन जाए। और अब आप देखेंगे मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल किसी और तरीके से कैसे करता हूं। अभी मैंने ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया ये तरीके में, अब मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करूंगा अलग तरीके से। ओम्स लॉ अभी भी मेरे लिए वी इज इक्वल टू आईआर ही है, अभी भी मेरे लिए ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आईआर ही है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ओम्स लॉ मुझे कहता है कि अगर आप किसी का टोटल करंट निकालना चाहते हैं, I निकालना चाहते हैं, तो आप करें V/R। आप क्या करें? V/R। ये बच्चे को भी समझ में आएगा कि सर ये V इज इक्वल टू IR था ना, तो तुमने I निकालने के लिए R को V से डिवाइड कर दिया। बरोबर है? नहीं, बरोबर है, बहुत ही भाई वैसे ही किया, कुछ अलग नहीं किया। पर मुझे एक सवाल है, ये जो करंट तुमने निकालना है, ये करंट कहां फ्लो हो रहा है? ये करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए टू सी, इट्स फ्लोइंग फ्रॉम ए टू सी। तो तुम्हें जो वोल्टेज पुट करना है वो भी पुट करना है बिटवीन ए एंड सी, और जो तुम्हें रेजिस्टेंस पुट करना है वो भी पुट करना है बिटवीन ए एंड सी, जस्ट सी। क्या क्या नॉलेज लग रही है? पहली बात मैंने क्या तुम लोग से पूछा था, मैंने तुम लोगों को ही पूछा था कि
आई वन नाम का करंट जो तुम्हें निकालना है वो कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है. तो यू सेड द आई वन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी. सब लोग ने ये बोला. अगर आई वन करंट ए से सी तक फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज भी तुम्हें ए और सी के बीच का चाहिए और रेजिस्टेंस भी तुम्हें ए और सी के बीच का चाहिए. अब मैं अगर तुम लोग से पूछूं ए और सी पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है, क्या आप जवाब दे सकते हो? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी? जल्दी जल्दी आंखें खोलो, सुबह सुबह है, आंखें खोलो और तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा. तुम्हें पता चलेगा कि ये 30 वोल्ट हमें ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, ये 30 वोल्ट हमें ऐसे ही नहीं दिया हुआ है. कैन यू सी ए एंड सी पॉइंट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद अ 30 वोल्ट पावर सप्लाई? कैन यू सी ए और सी पॉइंट जो है वो 30 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है? 15 वोल्ट किधर है? वेयर इज 15 वोल्ट? कैन यू सी 30 वोल्ट कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी पॉइंट? दिख रहा है? कैन एवरीबडी सी ए पॉइंट और सी पॉइंट 30 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है? एवरीबडी सीइंग दिस थिंग? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मुझे ऐसा लगता है कि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया. आपको मिल गया, आपको वी मिल गया. अब क्या? अब आर चाहिए. आर कहां से कहां तक चाहिए? आर चाहिए ए और सी पॉइंट के बीच का आर चाहिए. तो आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में. अब तुम्हें पता होना चाहिए रेजिस्टेंस में दो कमाल, एक को बोला जाता है सीरीज और दूसरे को बोला जाता है पैरेलल. अगर कभी बचपन में इन दोनों का नाम सुना होगा, 10वीं क्लास से सीरीज और पैरेलल बताना शुरू करते हैं टीचर लोग, पर बच्चे को एक्चुअल में समझ में आता है 12वीं क्लास में जाके. रेजिस्टेंस जो होता है अगर उसका टोटल निकालना है तो दो तरीके से निकाला जा सकता है. रेजिस्टेंस या तो सीरीज में कनेक्टेड होता है या तो पैरेलल में कनेक्टेड होता है. अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आपको याद आएगा तो. बराबर है कि नहीं? अब आप बात को समझें. ए और सी पॉइंट के बीच में दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर का नाम पी है और दूसरे रजिस्टर का नाम आर है. बराबर है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पी रजिस्टर और आर रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्या लगता है आपको? बताओ मेरे को. पी रजिस्टर और आर रजिस्टर जो ए और सी पॉइंट के बीच में है, आर दे इन सीरीज और आर दे इन पैरेलल? डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव योर ऑनेस्ट आंसर्स. Just give your honest answer. Whatever you feel, give your honest answer. इसलिए जो बच्चा पार्टी लोग ये नहीं जानते कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में क्यों माना जाता है, उनके लिए ये बताया. दो रेजिस्टेंस सीरीज में तब माने जाते हैं जब उन लोगों से सेम करंट फ्लो होता है. अगर मैं आपसे पूछूं P वाले बंदे से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपने बोला I1. कि R वाले बंदे से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपने बोला I1. If same current is flowing through both of them, then both of them will be in series. And you know what's the formula of series is? Directly add both the resistance. तो हम लोग को अगर R निकालना है, तो क्या मैं directly P plus? अच्छा P plus R is, इसको मैं R T कर देता हूँ. R total, P plus R कर देंगे. कितना है P? How much is P? P कितना है? 1.36 into 10 to the power 3. आर कितना है? प्लस आ गया. अब क्या है भाई, अब ये इक्वेशन लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि इसमें तुमको वी भी पता है और इसमें तुमको आरटी भी पता है. अब सॉल्व करने का टाइम आ गया है. तो आई वन कैसे निकालोगे? आई वन इज वी अपॉन आरटी. वी इज 30 एंड आरटी इज 1660. This is equal. मैंने V की जगह पे कितना पुट किया? 30. तुमने बताया था V 30 है और RT अभी निकाला हमने 1660. तो 30/1660 अपना फाइनल आंसर आ गया. प्रियंका, why do you think V will be 15? Why do you think V will be 15? बताओ मेरे को, यहां से V 15 किधर से दिखता है आपको? Why you are saying V is 15? आपको ऐसा लग रहा है क्या
ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर 30 वोट लगा है तो आधे को 15 मिलेगा और आधे को 15 मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि आपको? ऐसा नहीं होता। जितने लोग भी ए और सी पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है उनको 15 बोल रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं पता है क्या? हम लोग आधे पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए अपने को 15 लेना पड़ेगा। ये 30 वोल्ट इधर 15 और इधर 15, ऐसा नहीं है। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दीज टू पॉइंट्स ए एंड सी, और इन दोनों पॉइंट को डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। ए पॉइंट डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और सी पॉइंट डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। तो अगर दो पॉइंट को डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों पॉइंट पे उतना ही वोल्टेज आता है जितना बैटरी का वोल्टेज होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या हमारे पास I1 आ गया? क्या हमारे पास I1 आ गया? बोलो I1 आया कि नहीं आया? यस वी कैन सॉल्व दिस फर्दर, वी कैन सॉल्व दिस फर्दर, बट फिलहाल के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे। हम लोग हमारे स्टेप टू पे जाएंगे। स्टेप टू में हमें क्या फाइंड करना है? स्टेप टू में हमें फाइंड करना है फाइंड I2, फाइंड I2। सिमिलरली आप I2 फाइंड करेंगे। I2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा? V अपॉन R टोटल, सेम। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे I2 कहां से कहां फ्लो हो रहा है। I2 A से लेके C तक फ्लो हो रहा है। अब वो इस तरफ फ्लो हो रहा है A से लेके C तक। तो अभी भी आपका जो वोल्टेज आएगा वो 30 ही होगा क्योंकि ये भी A से C तक ही जा रहा है। तो A और C पॉइंट के बीच में अगेन 30 वोल्ट ही लगा हुआ है। इधर के लिए भी 30 लेना है, इधर के लिए भी 30 लेना है, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉइंट्स। I1 भी A से C तक है, I2 भी A से C तक है, और A और C 30 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैंने वोल्टेज 30 लिया। R टोटल कितना आएगा? ये दोनों रेजिस्टर भी सीरीज में है तो आई शुड राइट हियर Q प्लस S। जैसे यहां पे P प्लस R किया था, यहां पे करना पड़ेगा Q प्लस S, दे आर इन सीरीज। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 30 अपॉन क्यू का वैल्यू आपके पास 19.94 × 10³ प्लस एस का वैल्यू आपके पास कितना है? 4.4 × 10³। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलना चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच का टोटल। तो ऊपर आएगा 30 और अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2 4 3 4 0। ये आया आपका I2। क्या I1 I2 सबको समझा? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड I1 I2? हाया ना हो जाए, कम ऑन। जैसे I1 सॉल्व किया सिमिलरली वैसा मैंने I2 सॉल्व किया। वोल्टेज को लेके किसी भी लोगों के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए कि 30 कैसे ले रहे हैं। आपको खाली ये समझना है ए और सी पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है? डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, खत्म हो गई बात। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग। भुवन, बुक का उल्टा किया कुछ मतलब नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ये मतलब है? चलो अगर तुम्हें I1 मिल गया, तुम्हें I2 मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया। किधर है भाई, किधर है? ये था, ये था इंपॉर्टेंट, ये था। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? VB माइनस VD वॉज हाउ मच? वॉज I2Q माइनस I1P। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंसारी, बिकॉज दैट वॉज इन सीरीज, पी प्लस आर इसलिए किया क्योंकि सीरीज में है। वैसे यहां पे क्यू प्लस एस किया क्योंकि वो दोनों सीरीज में, सीरीज में आप दोनों रेजिस्टर को डायरेक्टली ऐड करते हो, ठीक है। चलो अब आपके पास I2 है, कहां है I2? ये रहा I2, 30/2 4 3 4 0, ये आपका I2 है। मल्टीप्लाई करो क्यू के साथ, क्यू कितना है? 19.94 × 10³। ये आपका क्यू है। माइनस साइन डालो I1, ये रहा आपका I1 कितना है?
थर्टी अपॉन 1660 इंटू पी, पी आपका कितना था भाई, पी कितना है, पी है आपका 1.36 इंटू 10^3 आई टू इंटू क्यू आई वन इंटू पी। आपके पास अगर वक्त होगा तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपको जीरो आंसर आएगा। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द सिक्स्थ पेज फॉर टुडेज, ठीक है, जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हीटस्टोन नेटवर्क हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है, व्हीटस्टोन नेटवर्क वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग, ठीक है, हम लोग ने व्हीटस्टोन नेटवर्क को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। बात यह है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क हम लोग क्यों इस्तेमाल करते थे, ये आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो हम व्हीटस्टोन नेटवर्क क्यों इस्तेमाल करते थे, बोलिए व्हाई व्हाई व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, उससे हमें क्या मिल सकता है। यस आंसर बोलिए मुझे सब लोग, व्हीटस्टोन नेटवर्क आपने क्यों पढ़ा, उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, कम ऑन। अच्छा मतलब लोगों ने पढ़ाई चालू कर दी है, लोगों ने पढ़ाई चालू कर दी है, आंसर्स आने चालू हो गए हैं, दैट्स रियली ग्रेट। आप व्हीटस्टोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, आप व्हीटस्टोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, ये बात सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगली चीज जो आपको समझनी है, मीटर ब्रिज का भी इस्तेमाल आप लोग टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस के लिए ही करते हैं। व्हीटस्टोन नेटवर्क का इस्तेमाल और मीटर ब्रिज का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ही किया जाता है, पहला चीज यह आपको दिमाग में रखना। दूसरी चीज, जब हम व्हीटस्टोन नेटवर्क पढ़ते हैं तो बच्चे के दिमाग में व्हीटस्टोन नेटवर्क को लेके एक स्पेसिफिक डायग्राम बच्चे के दिमाग में आ जाता है। वो स्पेसिफिक डायग्राम क्या है, व्हीटस्टोन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्हीटस्टोन की। अगर आप व्हीटस्टोन नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में उसको लेके एक स्पेसिफिक डायग्राम आ जाता है। कैसा डायग्राम है मैं आपको बताता हूं। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क, आपने अभी अभी देखा ऐसा ही कुछ व्हीटस्टोन नेटवर्क था, राइट, और आपको किस तरह से व्हीटस्टोन नेटवर्क दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, बट हो सकता है गैल्वेनोमीटर कहीं और कनेक्टेड हो, ऐसा दिख जाए आपको। यस ऐसा दिख जाए या ऐसा दिख जाए, नोटिस क्या कर रहे हो आप, अगर गैल्वेनोमीटर इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा है तो बैटरी दूसरे दो पॉइंट्स के बीच में लगती है, और अगर गैल्वेनोमीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा है तो बैटरी फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगती है। पर हालांकि डायग्राम तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है ना, बच्चा जो है वो गैल्वेनोमीटर को देखता है, बच्चा देखता है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क जो है वो ऐसा ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल जैसा दिखेगा, इसका मतलब व्हीटस्टोन नेटवर्क है। आपके दिमाग में जो डायग्राम फिट होता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हीटस्टोन नेटवर्क, इट इज लाइक दिस, ऐसा ऐसा टू ट्रायंगल्स बिकम व्हीटस्टोन नेटवर्क। प्लीज डोंट कीप दिस इन योर माइंड, जरूरी नहीं है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क आपको दो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में ही मिले, मैं आपको बना के दिखाता हूं कि व्हीटस्टोन नेटवर्क आपको किसी और फॉर्मेट में कैसा दिख सकता है। सबसे बड़ा मिथ, क्योंकि जब मैं एंट्रेंस पढ़ाता हूं तो बच्चे लोग को अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क किसी और फॉर्मेट में दिख जाए तो बच्चे लोग यकीन करने से मना कर देते हैं, बच्चे लोग बोलते नहीं नहीं सर हम लोग को तो ऐसा ऐसा पढ़ा है, ये है व्हीटस्टोन दो ट्रायंगल। अरे बाबा ये सिर्फ और सिर्फ वायर कनेक्शन है, दिखने के लिए अच्छा दिखता है इसलिए ऐसा बनाते हैं, बट रियलिटी आपको समझना है कि अगर कभी जिंदगी में व्हीटस्टोन नेटवर्क ऐसा दिखा तो डर मत जाना। लेट मी मेक इट फॉर यू, ए बी सी डी, चार पॉइंट बना दिया मैंने, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं तुम लोग से ये कहूं कि ये डायग्राम
और ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, बोथ द डायग्राम्स आर एग्जैक्टली सेम, तो तुम्हें इस बात पे यकीन करना पड़ेगा। यस यस, आपको किसी भी फॉर्म में व्हीटस्टोन दिख सकता है, किसी भी फॉर्म में व्हीटस्टोन दिख सकता है आपको। प्लीज सबसे पहली बात ये समझिए। अब आप सोच रहे होंगे, सर मुझे कैसे क्लिक होगा एग्जाम में जाने के बाद, मुझे कैसे क्लिक होगा एंट्रेंस में जाने के बाद, मैं तो दो दिन से जब से आप व्हीटस्टोन पढ़ा रहे हो, और अगर मैं घर पे पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं तो ऐसे ऐसे करते बैठ रहा हूं व्हीटस्टोन को, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा भी हो सकता है। दिस माइट बी पॉसिबल, यू माइट बी थिंकिंग लाइक दिस, यस स्टूडेंट्स थिंक लाइक दिस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले गिनो, चार रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस यहां पे भी है, चार रेजिस्टेंस यहां पे भी है। क्या आप नोटिस कर रहे हो कि ए और सी पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है? आप देख सकते हैं ए और सी पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। बी और डी पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, बी और डी पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है। ए बी के बीच में रजिस्टर है, ए बी के बीच में रजिस्टर है, ए डी के बीच में रजिस्टर है, ए डी के बीच में रजिस्टर है, बी सी के बीच में है, डी सी के बीच में है। जैसा ये डायग्राम है वैसा ही है, खाली फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं, खाली फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप लोग इसको क्यों नहीं समझ पाते मैं आपको ये समझाता हूं। ये दिख रहा है, दिस इज अ वायर, दिस इज अ वायर। इन द प्रीवियस डायग्राम, इन द प्रीवियस डायग्राम दिस वायर वॉज एक्चुअली कनेक्टेड लाइक दिस, और इसके बीच में एक रजिस्टर था, ये वायर ऐसी कनेक्टेड है। आ रही आपको बात समझ में? अगली वायर जो है वो ऐसी कनेक्टेड है। जस्ट लुक एट द ब्लैक वायर एंड द रेड वायर, यू आर मेकिंग इट अ ट्राइंगल, बट डू यू नो दिस वायर कैन बी मेड इन एनी शेप, इसको कोई भी शेप में आप लेके जा सकते हो। अगर मेरा मन ऐसा लगाने का नहीं है, ट्राइंगल फॉर्म करने का नहीं है, मेरा मन अगर ऐसा लगाने का है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, वायर कोई भी शेप ले सकता है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना आप, ये चीज जो देख रहे हो, ये वायर है, वायर, वायर रेजिस्टेंस, वायर रेजिस्टेंस, वायर वायर गैल्वेनोमीटर, वायर वायर है, और वायर को तो आप कैसे भी मोड़ सकते हो ना बच्चा पार्टी। हेलो, अबे हो क्या नहीं हो, तुमको मेरे पे यकीन करना पड़ेगा। मैं तो वायर भी लेके आ गया, अब तो यकीन आ रहा है इसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, प्लीज 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 एक चीज आपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो ये निकाल दो दिमाग से कि तुम लोग हर बार जाके ऐसा और ऐसा व्हीटस्टोन को मानोगे। एक लेक्चर पक्का लूंगा सीरीज एंड पैरेलल पे भी, किसी दसवीं क्लास के बच्चे को पकड़ के पूछना जरा सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, पूछना किसी दसवीं क्लास के बच्चे को पकड़ के सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। उसको कैसे सिखाया जाता मालूम है क्या? उसको ऐसे सिखाया जाता है, ऐसा ऐसा होगा तो सीरीज है, ऐसा ऐसा होगा तो पैरेलल है। कैसे सिखाया जाता है दसवीं क्लास के बच्चे को? कैसे सिखाया जाता? एक दसवीं क्लास के बच्चे को सिखाया नहीं जाता, अगर उसको बताया जाता तो कैसे बताया जाता ऐसा? ये कौन है? सीरीज। ये कौन है? पैरेलल। कितने लोग जानते हैं ऐसी बात? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप समझ पा रहे हैं क्या? हमारा बचपन ऐसा ही, भले हमें पढ़ाया ना गया हो, भले हमें ऐसा पढ़ाया ना गया हो, हमारा दिमाग ऐसे ही सोचता है। सीरीज पैरेलल, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ वायर है, दिस इज जस्ट अ वायर। आपने सीरीज एंड पैरेलल कैसे पता लगाना है? अभी थोड़ी देर पहले नॉलेज दिया था, थोड़ी देर पहले नॉलेज क्या रखा था? अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है तो सीरीज होता है, और करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल होता है। ऐसे पता लगाते हैं सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है। ये तो सिर्फ वायर है यार, वायर कैसे भी कनेक्ट की जा सकती है।
आई होप मेरा व्यू आप लोगों के लिए क्लियर है. मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रायंगल फॉर्मेट में देखने से अच्छा ऐसे फॉर्मेट में भी, याद रखो कभी ना कभी जिंदगी में एकाधे क्वेश्चन से टकराओगे जहां पे इस फॉर्मेट में तुमको व्हीटस्टोन नेटवर्क दिखाई देगा और बच्चा उस वक्त मानने से इंकार करेगा, बट तुम लोग मानोगे, तुम लोग को रीजन पता है. अब तुम्हें क्या पता है, वही कार्यक्रम है, व्हीटस्टोन का कार्यक्रम तो वही है. ये सर्किट भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसा ये सर्किट बिहेव कर रहा है. दोनों सर्किट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बोथ द सर्किट्स विल बिहेव लाइक अ सेम थिंग. एक जैसा ही दोनों सर्किट बिहेव करेगा, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेना है. बट आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर एक बात बताओ, आपने हेडिंग लिखा मीटर ब्रिज, बराबर है ना, है कि नहीं? और सडनली आप वापस चले जाते हो व्हीटस्टोन में. आपने तो हेडिंग लिखा मीटर ब्रिज ना, तो अभी जब व्हीटस्टोन पढ़ा रहे थे या व्हीटस्टोन का जब डायग्राम पढ़ा रहे थे, तब क्यों नहीं बताया कि ऐसा वाला ऐसा भी दिखता है? आज क्यों हमें ये शौक दिया? आज तुम्हें इसलिए ये शौक दिया क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, मीटर ब्रिज का इस्तेमाल भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है, और मीटर ब्रिज का डायग्राम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द व्हीटस्टोन का डायग्राम, इज इंस्पायर्ड. देयर आर सम चेंजेस व्हाट यू हैव डन इन अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, एंड दोस चेंजेस मेक इट अ मीटर ब्रिज. और अगर आप टेक्स्ट बुक में मीटर ब्रिज का डायग्राम खोल के देखोगे, जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे मीटर ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा ये है मीटर ब्रिज का डायग्राम. एंड जस्ट लुक एट दिस डायग्राम जो मैंने आपके सामने अभी पेश किया है व्हीटस्टोन नेटवर्क का. इन दोनों डायग्राम को एक जैसा देखना है आप लोगों ने. जस्ट लुक एट दिस टू डायग्राम्स, यू विल बी सीइंग दैट दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज इंस्पायर्ड विद दिस डायग्राम. इट इज इंस्पायर्ड. कैसे इंस्पायर्ड है? क्या किया कि एक व्हीटस्टोन नेटवर्क को मीटर ब्रिज में कन्वर्ट करने के लिए? वो सब चीजें हमें पढ़नी है, पर पहले मेरे को तुम्हारे दिमाग में ये डालना था कि ऐसा भी दिख सकता है. पहले ये डालना था, आई थिंक वो आ गया है, वो तुम लोग को यकीन हो गया है कि ऐसा भी दिख सकता है. अब खाली मुझे इतना बताना है तुम लोगों को कि एक व्हीटस्टोन नेटवर्क को किस तरह से कन्वर्ट किया गया एक मीटर ब्रिज में, और मुझे ये भी बताना है कि क्यों कन्वर्ट किया गया, बिकॉज क्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारे पास व्हीटस्टोन नेटवर्क था, जो तुम्हें एक सर्किट ऐसा था जो तुम्हें अननोन रेजिस्टेंस बताता है, तो फिर मीटर ब्रिज किस खुशी में लेके आए? था ना, व्हीटस्टोन नेटवर्क बराबर काम कर रहा था कि नहीं काम कर रहा था? तुम्हें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन नेटवर्क था, तो किस खुशी में तुम लोग मीटर ब्रिज बनाते हो और हम लोग को पढ़ाते हो या हमारे सिलेबस में आता है? कोई भी चीज का इन्वेंशन या डिस्कवरी आपके कंफर्टेबल जोन के लिए होता है. हम पढ़ेंगे इस बात में कि मीटर ब्रिज में ऐसी क्या खासियत है जो व्हीटस्टोन नेटवर्क में नहीं है. पर उसके पहले क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई डिड आई टीच यू दिस पर्टिकुलर स्टफ. गिव मी अ यस और नो एंड गिव मी अ यस और नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस स्टफ. ये दोनों सेम है. बोलो, सबका यस और नो नहीं आ रहा है मुझे. बोलो फटाफट कि तुम्हें समझ में आ गया ट्रायंगल वाला और ये वाला एक जैसा दिखता है. बोलो